प्रेम से बोली सतगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी। परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए। पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। उठिए, जगिए, श्रेष्ठत्व को हासिल कीजिए। उठिए, जगिए, श्रेष्ठत्व को हासिल कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कौन है, मुझे जानने की जरूरत नहीं कि आप कौन है। आप जो कोई भी है, आप जो कोई भी है, आपसे ऊपर का एक पद है। आप जो कोई भी है, आपसे ऊपर उठाने वाला पद है। आप जागिए, देखिए, और आपसे श्रेष्ठत्व यदि न हो तो हमको हर्ष याद दीजिए कि तुम हमको यहाँ झुराए रहा 12-13 दिन, फंसाए रहा 12-13 दिन। सत्य मिलेगा, श्रेष्ठत्व मिलेगा, सत्य मिलेगा, श्रेष्ठत्व मिलेगा, जीवात्मा परमात्मा मिलेगा। हमको नहीं दिखाया कहिएगा, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, पीछे भी अब भी कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र के लिए ये कार्यक्रम यहाँ नया जरूर है, लेकिन हम इस क्षेत्र के लिए नए नहीं है। ये ज्ञान इस क्षेत्र के लिए नया नहीं है। इस क्षेत्र के बहुत लोग है जो इस ज्ञान से गुजर चुके हैं, भारत में जाकर ज्ञान पा चुके हैं, विराटनगर में कार्यक्रम होने में ज्ञान पा चुके हैं, काठमांडू में एक क्लास चला था तो ज्ञान पा चुके हैं। इसमें बहुत लोग बैठे हैं जो जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कर चुके हैं, सच्चाई को जान चुके हैं, सच्चाई को देख चुके हैं। एक चीज जरूर है, आप दोनों रखना चाहेंगे तब मुश्किल होगा। और सत्य भी रखना चाहेंगे, सत्य भी रखेंगे, आपकी क्षमता शक्ति दोनों रखने की नहीं है। आप ज्ञान वाला धंधा भी करते रहेंगे, ज्ञान वाला भी बोलते रहेंगे, ये दोनों नहीं होगा। आप जो है अंधकार वाला, जो मायावी संसार वाला भी मेरा बनाए रखे, और भगवान को भी मेरा बनाए रखे रतन मणि की तरफ से, तो रतन मणि की तरफ से दोनों एक साथ नहीं होगा। जोरू के गुलाम भी रहेंगे, आप परमेश्वर का विधान भी ले चलेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। रतन मणि को अपना धोखा देना है, समाज को क्या धोखा देना है। नाम मेरा रहेगा, घर परिवार मेरा रहेगा, भगवान वाले आओ हमको चंदा दो, हमारा घर भी बढ़ाओ, हमारा धन दौलत बढ़ा दो, हमारा काम क्रिया कर दो, हाँ अब हमारा साथी सौभागी कहलाओ। कौन होता है रत्नमणि, हाँ, कौन होता है रत्नमणि? जो भगवान की बात है, आप भगवान से जुड़ो, कोई इंसान क्या होता है जी? रत्नमणि तो एक पारिवारिक व्यक्ति है, रत्नमणि तो सुशीला का गुलाम है, रत्नमणि तो मकान का गुलाम है। उसको तो मकान चाहिए, अब बीवी चाहिए, घर परिवार चाहिए, परमेश्वर तो उसको एक मुखौटा है उसका, परमेश्वर का तो मुखौटा लगाए है, उसको परमेश्वर से क्या लेना देना है? परमेश्वर जो है, परमेश्वर है, सृष्टि का मालिक है। आप स्वयं सोचिए, अंधकार प्रकाश दोनों एक साथ रह पाएगा? आप स्वयं सोचिए, और यानी ये माया मल के भी मालिक बने रहेंगे, आप परमेश्वर को भी जबरदस्ती अपना लेंगे? आप स्वयं सोचिए कि जोरू का गुलाम रहेंगे, परमेश्वर के सेवक कैसे बनेंगे? तो इस तरह से दोनों बातें ये आंख के आदमी की आंख में
ज्ञान अलाउ नहीं करता है। हम आपकी आंख में धूल झोंके हमको ये ज्ञान अलाउ नहीं करेगा। हम आपकी आंख में धूल झोंके आपकी आंख में बालू झोंक दे और कहे कि आप हमारे बने रहो तो ऐसा जो है भगवान अलाउ नहीं कर सकता। भगवान अलाउ करता है आप बीज हैं, जब आपको वृक्ष बनना होगा तो अपने बीजत्व को विलीन करना होगा। जब आप बीज बने रहेंगे वृक्ष कैसे होंगे, जब आप बीज बने रहेंगे फसल कैसे होंगे। जब आप अपने बीज को विलीन करेंगे, जब बीज को मल्च करेंगे तब फसल बनेंगे, तब वृक्ष बनेंगे। आप अपने मैं मेरा को बनाए रखेंगे, आप भगवान भी आपका बना रहेगा। दोनों संभव नहीं है भैया, सोचिए। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मत पूछिए हमको, आप मत हमको खाना पानी दीजिए, मत हमको बैठने का मौका दीजिए, लेकिन मैं आपके आंख में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकता। जानते हैं सब लोग रत्नमणि अच्छी तरह से जानते हैं संत ज्ञानेश्वर को, ऐसा नहीं कर ही जानते, लेकिन मजबूर है। उनका अहंकार, उनका मायावी माया शक्ति जो रूप है वो उनको बर्बाद कर रहा है, उनको नाश में ले जा रहा है। कि उनको बचना चाहिए इस मायावी विनाश से। हमारे यहाँ उनके लिए कोई घृणा नहीं है, हमारे यहाँ उनके लिए कोई द्वेष नहीं है। हमारे यहाँ उनके लिए, हमारे यहाँ का बच्चा है वो, हमारे के एक सदस्य है वो, हमारे यहाँ के एक बच्चा है, उनके लिए हमारे यहाँ हमेशा दरवाजा खुला है। वो एक हमारा भटका हुआ बच्चा है, ऐसा नहीं है कि वो हमारा नहीं है, एक भटका हुआ है। उसको इस बात को समझना चाहिए, ऐसे ऐसे स्त्री और ऐसे ऐसे भोग, ऐसे ऐसे मायावी मकान दुकान तो जिंदगी में लाखों लाखों करोड़ों बार भोगते आ रहा है। ऐसे मोक्ष के चांस को उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भगवान का बने रहना चाहिए, हठ बाती नहीं होना चाहिए, जिद हठ नहीं करना चाहिए। एक बात उससे पूछा जाए कि क्या बीज रहते कोई वृक्ष हो सकता है, बीज रहते कोई फसल बन सकता है, मैं अभी मैं मेरा रखते हुए कोई मुक्त हो सकता है, मैं अभी मैं मेरे बीबी और मकान का गुलाम बना रह करके, मैं अभी गुलाम बना रह करके कोई भगवत ज्ञानी कहला सकता है। नहीं, ज्ञान खिलता है वैराग्य में। हम आपके परिवार के दुश्मन नहीं है, हम आपके लड़की बच्चे के दुश्मन नहीं है, हम आपके बच्चों के दुश्मन नहीं है। तो हम कहें कि आप भगवान के ऊपर समर्पित हो जाओ, आप भगवान के शरण में हो जाओ, आप अपने खेत बाड़ी धन दौलत को भगवान को सुपुर्द कर दो। क्या है आपके पास जो भगवान को दे दीजिएगा? नहीं, झूठ। क्या है जो आपको भगवान को दे दीजिएगा? अज्ञान। क्या है जो भगवान को दे दीजिएगा? ये अंधकार, वो अंधकार, ये ममता वासना। क्या है जो आप भगवान को दीजिएगा? भोग मायावी झूठी चीजें, इसकी जितनी निंदा किया जाए। आप तन मन धन भगवान को देने की बात की जाती है, आप दुनिया का कोई ग्रंथ निकालिए, देखिए कि इसकी कितनी निंदा, कितनी निंदा, कितनी निंदा की गई है। चाहे जितना भी निंदा किया गया हो कम है। और इस निंदनीय चीज को आप नहीं छोड़ना चाहते, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बंदनी, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ बंदनी, इस खिलकत का सर्वश्रेष्ठ पूजनी, ज्ञान और भगवान आप नहीं अपनाना चाहते। आप जो है अपने इस मायावी चीज को, इस मृत्यु वाले क्षेत्र वाले चीज को मैं मेरा बनाए रखना चाहते हैं। परमेश्वर आपके मैं मेरा में कैसे आए? तो आप बंधु से मैं यही कहूंगा, हर किसी से यही कहूंगा, आप अपने को बर्बाद कर चुके हो भैया, आप मत बर्बाद हो। वो आप दुनिया को अपने को देकर देख लीजिए, आप अपने परिवार को अपने को देकर देख लीजिए। एक बार अब बारी आई है परमेश्वर को देकर देखने का। अब तक आप अपने को परिवार को देकर देख चुके, अब तक आप अपने को संसार को देकर देख चुके, एक बार जो है आप अपने को परमेश्वर को देकर देखिए, परमेश्वर को देकर देखिए। आपको झूठ की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चोरी बेईमानी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रोटी कपड़ा मकान सोचने की कोई जरूरत।
सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मोक्ष आपका रिजर्व रहेगा, मुक्ति माता आपको रिजर्व रहेगी, रिजर्व। और जो करेंगे वो कीर्ति होगी, कीर्ति जस कीर्ति होगी। और ये रोटी कपड़ा मकान तो आपके लिए साज ही पीछे पीछे बना रहेगा, अपनी मर्यादा के लिए बने रहेंगे। आप ऐसा जीवन जीने का कोशिश क्यों नहीं करते? आप पारिवारिक बने रहना चाहते हो, भगवान का नहीं। भगवान आपके परिवार का दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भगवान आपको असत्य में नहीं रहने देना चाहेगा, सत्य में रहने देना चाहेगा। सत्य को आप जानिए, सत्य को आप देखिए, और असत्य छोड़ करके सत्य को अपनाइए। मेरी बात इतनी है, रतन मणि से भी हमारी बातें इतनी रही कि आप सत्य के लिए हमसे संबंध किए हो, आप सत्य के लिए हमसे व्यवहार जोड़े थे, आप सत्य के संकल्प पर हमारे यहाँ आप समर्पित शरणागत हो, संत ज्ञानेश्वर समर्पित शरणागत रतन मणि के लिए नहीं है, रतन मणि समर्पित शरणागत है संत ज्ञानेश्वर से। रतन मणि अपने को झूठा बना रहा है, ज्ञान सदगुरु और भगवान का अपमान कर करा रहा है, वो एक हानि अपने आप को भर्म भटका हुआ है। उसको चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर से मिल करके अपने इस भर्म भटकाव का, अपने इस शंका का समाधान ले। यदि मैं गलत हूँ तो अबे उसको मैं कुर्सी दे रहा हूँ, उसको मैं माइक दे रहा हूँ, मेरे गलती को आप सबके सामने उजागर करे, मेरे गलती को आप सबके सामने रखे, ताकि मैं आप लोगों से गलती न कर सकूं। मैं इसलिए माइक रखा हूं, मेरे यहाँ रतन मणि के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। यह संदेह सत्य है कि वो हमारे परिवार का एक सदस्य है, हमारा एक बच्चा है, लेकिन नहीं, उसके भ्रम में भटकने के पीछे पीछे मैं ऐसा पिता नहीं हूं कि ममता मोह में जकड़ करके उसके पीछे, चाहे वो झूठ बोले मैं पीछे दौड़ू, चाहे वो चोरी करे मैं पीछे दौड़ू, चाहे वो ज्ञान और सदगुरु और भगवान का अपमान करे मैं पीछे दौड़ू। मैं ऐसा पिता नहीं, मैं वह पिता हूँ कि सत्य में साथ दूंगा, पूरा साथ दूंगा, सहयोग करूंगा, और सत्य में कदापि नहीं। मैं उसको ज्ञान में हर प्रकार का सहयोग करूंगा, और ज्ञानी का जीवन जीने वाले विधान में नहीं, मैं मायावी जीवन जीने में कभी उसका सहायता नहीं कर सकता। वो भगवतीय जीवन जीना चाहता है तो मैं बिल्कुल सहायता करूंगा। मैं कभी भी उसको मृत्यु और भोग में बने रहने नहीं देना चाहता, यही मेरी उसके साथ गलती है। मैंने उसको बार बार कहा कि तुम एक साहसी व्यक्ति हो, इस सत्य को हासिल करो, सत्य से अपने को जोड़ लो, सत्य का हो जाओ और दुनिया में सत्य की आवाज को बुलंद करो। लेकिन भटक गया, क्या भटक गया? ज्ञान में क्षमता शक्ति खोजनी नहीं पड़ती है, वो तो भगवान सुप्रीम की सुप्रीमेसी, भगवान की भगवत्ता आपके पीछे आपके साथ हरदम लगी रहती है, यदि आप भगवान के बने रहे। इसमें अपने को बचाना है अहंकार से, इसमें आपको अपने को बचाना है अहंकार से। यदि आप अपने को अहंकार से बचा ले गए तो ज्ञान आपको दुनिया में वह हर कुछ देगा जो सृष्टि में आज शक्ति भी नहीं दे सकती, ब्रह्मा इंद्र शंकर भी नहीं दे सकते, आज शक्ति नहीं दे सकती जो आपकी माँ है, जो आपकी माँ आज शक्ति है वह भी नहीं दे सकती भगवान, वो दे। परमेश्वर दर्शन के एक दिन पहले शिव शक्ति का भी दर्शन होगा, शिव शक्ति का भी दर्शन होगा और आप देखेंगे। तो इस तरह से जो है आप बंधुओं को ऐसे परम सौभाग्य का पात्र बनना चाहिए, ऐसे परम शुभ अवसर का लाभ लेना चाहिए। आप लोगों में ऐसे कोई रतन मणि का हितैषी जो है उस अहंकारी को समझाना चाहिए कि तुम विनाश की तरफ जा रहे हो, तुम पतन की तरफ जा रहे हो, तुम सदगुरु के कोप भाजन बन रहे हो, तुम भगवान के अनि नाराज कोप भाजन बन रहे हो, तुम्हें अपने अहंकार को खत्म करके सत्य को, जिस संकल्प के साथ तुम सत्य को प्राप्त किए थे, सत्य का बने रहो, संत ज्ञानेश्वर की जयकार मनाते हो, संत ज्ञानेश्वर का पूजा पाठ करते कराते हो, और संत ज्ञानेश्वर के अमृत को हासिल करने में
संत ज्ञानेश्वर से मिलने जुलने में तुझे भय संकोच हो रहा है? ऐसा कभी नहीं, तुम एक नातीज जीव हो, तुम्हारे अंदर घृणा द्वेष हो सकता है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर एक नातीज जीव नहीं है। संत ज्ञानेश्वर की तो सारी सृष्टि एक बच्चा है, सारी सृष्टि अपना बच्चा है, अपना बच्चा। संत ज्ञानेश्वर उस परमेश्वर वाला खुदा भगवान वाला है। संत ज्ञानेश्वर के अंदर जो है किसी के प्रति भी डाह द्वेष नहीं आ सकता, किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं आ सकती। अब सत्य के लिए तो कहना पड़ेगा, संत ज्ञानेश्वर सत्य के लिए निकला है, परम सत्य के लिए निकला है, आप सबको भौकूप में गिरने से बचाने के लिए निकला है, आप सब गिरे हुए भौकूप वालों को निकालने के लिए संत ज्ञानेश्वर घूम रहा है, आप भव सागर में डूब रहने वाले को बचाने के लिए संत ज्ञानेश्वर घूम रहा है, आपको माया में फंसने के लिए नहीं, भौकूप में डुबाने के लिए नहीं, भव सागर में डुबाने के लिए नहीं, बल्कि माया जाल काटने के लिए संत ज्ञानेश्वर है, आपको भवन में बनाने के लिए संत ज्ञानेश्वर है। तो इस तरह से आप लोगों को, आप बंधुओं को मैं बार बार, हजार बार, लाख करोड़ बार भी कहना पड़े तो मैं कहता रहूंगा और कहूंगा कि आप लोग अपने जीवन को बहुत बहुत बर्बाद कर चुके भैया, आप संभलो, आप संभलो। अब तक परिवार के रहकर देख चुके, अब तक संसार का हो रहा देख लिया है, आपके उत्थान, आपको सत्यता और श्रेष्ठत्व से जुड़ने के लिए आए, मैं क्या धोखा दूंगा? प्रैक्टिकल तक तो मैं जब 10 को पैसा आपसे नहीं मांग रहा हूँ, प्रैक्टिकल तक आपसे एक कप चाय नहीं मांग रहा हूँ, क्या मैं धोखा आपको दे दूंगा? ठीक है, आपका सब कुछ ले लूंगा, आपका तन मन धन सब ले लूंगा, ठीक है, लेकिन कब? जब आप अपने जीव रूप को जान देख लोगे, जब आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सूर्य स्पिरिट को जान देख लोगे, जब आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को, आप खुदा गाड भगवान का अच्छे प्रकार से, भले प्रकार से बातचीत सहित जब जान दे, जब जान लोगे, दर्शन दीदार कर लोगे, जब जांच परख कर लोगे, हर प्रकार से सत्य ही जब हो जाएगा, तो हम फीस में क्या लेते हैं? जो परमेश्वर का आपके पास है, जो भगवान का आपके पास है, वो भगवान का भगवान को वापस कर दीजिएगा। आप अपना कुछ मत दीजिए, मत हमको दीजिए, मत भगवान को दीजिए, लेकिन भगवान का जो है निंदनीय चीज जो है, भगवान की सर्वथा निंदनीय चीज को जो आप पकड़े बैठे हो, हमार हमार, ये मायावी चीजें, ये नाशवान चीजें पकड़ करके जो बैठे हो, ये हमार परिवार, ये हमार संपदा, ये हमार खेती बाड़ी मकान दुकान, अपने से पूछो तो सही, किसी का ये हमार रहा है? कोई इसको हमार बना सका है? कोई हमार बना कर ले जा पाया है? अरे भगवान का था, भगवान का है। आप जान देख लो कि भगवान का ही है कि नहीं, आप जान देख लो कि भगवान का ही है कि नहीं, और जब भगवान का ही है तो भगवान का भगवान को वापस करके, भगवान को पा करके, भगवतमय, सत्यमय, सर्वश्रेष्ठ होने से अपने को क्यों वंचित रखते हो? आपको भगवतमय होने से, भगवतमय बनाने से, अमरत्व से युक्त होने से, गीता वाले विराट दर्शन से, भगवान विष्णु राम कृष्ण के असली दर्शन से आप अपने को क्यों वंचित रख रहे हो? ये धन दौलत आपको क्या दे देंगे? ये खेत बाड़ी आपको क्या दे देंगे? ये परिवार संसार आपको क्या दे देगा? नाश देगा नाश, विनाश कराएगा विनाश, मृत्यु देगा मृत्यु। हम आपको इससे रक्षा करने के लिए आए हैं। आप जानिए, देखिए, जांचिए, परखिए, हर प्रकार से सत्य ही हो तब स्वीकार कीजिए। कहीं भी किसी भी कोने कातर से कहीं भी असत्य, कहीं भी लेकिन लगे, तो आप जो है हमको मत स्वीकार कीजिए, बल्कि दंडित कीजिए। मैं दंडित होने के लिए आपके सामने तैयार रहूंगा, मैं दंडित होने के लिए आपके सामने तैयार रहूंगा,
बसरते झूठ हो जाऊं। हम जब झूठ होंगे ही नहीं, हम जब असत्य होंगे ही नहीं, तो दंड कैसे हमारे तरफ आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए आप बंधुओं से मैं बार बार ही, हजार बार ही, लाख करोड़ बार ही कहते रहूंगा, आप लोग अपना बहुत बर्बाद कर चुके, आप विनाश के मुंह से लौटो, आप इस पतन और नाश से वापस आ जाओ, आप उत्थान मुक्ति और मरोत्व से जुड़ जाओ, आप मानव भाल बन जाओ भगवान का, आप ग्वाल बाल बन जाओ भगवान का। धरती पर धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा का सेनानी बन जाओ, खुदाई लश्कर बन जाओ, आप धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा का कार्यक्रम ले लो, जिसके लिए भगवान परम धाम छोड़कर के भूमंडल पर आता है, आप भी भगवान के साथ शागिर्द बन जाओ, आप भी भगवान के भक्त सेवक बन जाओ। कुछ लोग भरम भटक करके सोचते हैं कि हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, हम भक्ति में रहेंगे। किसको अलाउ करती है? मन माना कहीं भक्ति होती है? भक्ति भी तो वही है कि भगवान में विलय हो जाओ। जब तक अनन्यता नहीं आएगी, जब तक भगवत समर्पण शरणागत भाव नहीं आएंगे, भक्ति किसकी करोगे? भक्ति माने मन माना रहना, भक्ति माने मायावी ये घर परिवार को मेरा बनाए रख करके भक्ति होती है। भक्ति का मतलब भगवान ही मेरा माता पिता भाई बंधु पति हित नाथ सगा संबंधी सब कुछ भगवान ही हो। आप श्लोक पढ़ते हो, तुम्हें वो माता जगता तुम्हें वो बंधु, विनाश वाले मार्ग से बचो, इस पतन वाले मार्ग से, परिवार संसार वाले पतन और विनाश के मार्ग से बचो, भगवतमय बनो, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में जुड़ो, धर्म धर्मात्मा धरती की सेवा कार्य में रक्षा में जुड़ो। भैया मैं तो आप लोगों को पारमार्थिक बनाने आया हूँ, स्वार्थ को परमार्थ में विलय कर। आपने बहुत बर्बाद किया अपने को, अब कम से कम बर्बादी से रोकिए और इस ज्ञान को हासिल कीजिए, जांचिए परखिए और सत्य ही हो तो अपने को माया मोह से बाहर निकालिए, अपने को अज्ञान से बाहर निकालिए, अपने को इस पाप में जीवन से बाहर निकालिए और इस निंदनीय इसे घृणित तन मन धन और पारिवारिक सांसारिक जीवन से बाहर निकालिए, अपने को सर्वदा का तथा मन में इसके ऊपर भी दूसरा बात है ही नहीं। एक मैं इतना ही मैं रिपीट सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये जो ऋषि महर्षि, ये जो ज्योति जति संत महात्मा जी लोग थे, ये जो आली मौलिया पीर पैगंबर के लोग थे, ये लोग भगवान के स्वयं पॉइजन की तरफ से काम किए खुदागढ़ भगवान के लिए, इन लोगों ने भगवान का मुखौटा लगा करके, भगवान का चोला ओढ़ करके पहन करके और खुदागढ़ भगवान को मिटाने लगे धरती से। ये जो मंत्र है ऐसे मिटाने वालों को मिटाने के लिए काफी है। ऐसे ऋषि महर्षि संत महात्मा जोगी जति आदि मौलिया फिर पैगंबरों को तहस नहस करने के लिए ये अकेला मंत्र काफी है, ये अकेला मंत्र काफी है, ये आत्मा वालों को समझने के लिए, सोचने के लिए, आत्मवादी गुरुओं के, धर्म द्रोहियों के, भगवत द्रोहियों के नाश के लिए काफी है ये मंत्र। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है इस मंत्र को जानने समझने के लिए। हमको इस बंधु से बड़ी संतुष्टि हो रही है जो आपने इसको फिर दोहराने को कहा। भाई माता परमात्मा तो ये जो है इसमें दो मंत्र है, पहला तो आत्मा वाले भी मानते हैं, पहला वाला जो इसमें मंत्र है
इंद्रियाणी परे हरता हरते मेष परमन अमन तो सुखरा मुद्देर मुद्देर आत्मा महान पर है इसे ये सब भी बोलते हैं ये आत्मा वाले भी बोलते हैं क्यों कि बुद्धेर आत्मा महान पर है इसमें लिखा है कि आत्मा महान है आत्मा श्रेष्ठ है लेकिन इन अंधे गुरुओं को इन अंधे गुरुओं को इन चोर बेईमान गुरुओं को क्या कहा जाए कि अपने भक्तों को अपने साधकों को अपने अनुयायियों को ये चोर झूठ लूटेरे बेईमान ये गुर्जर जो है आने विमुख बना दिया भटका दिया दूसरा मंत्र बताया ही नहीं दूसरे मंत्र को आने नहीं दिया चुरा लिया इन गुरुओं ने क्यों कि दूसरे मंत्र का जवाब इनके पास नहीं था दूसरा मंत्र इनको नष्ट करा देगा दूसरा मंत्र जो है इनको तार-तार करा देगा एक भी साधक शिष्य को सटने नहीं देगा इसलिए इन गुरुओं ने जो आत्मा वाले हैं जो योग साधना वाले हैं जो स्वर्ण वाले हैं जो ज्योति वाले हैं इन गुरुओं ने अपने शिष्यों के साथ अपने साधकों के साथ झूठ बोला चोरी किया धोखा दिया बेईमानी किया अपने शिष्यों के आंख में धूल झोंका अपने शिष्यों को से इस मंत्र को चुरा लिया अपने शिष्यों के सामने आने नहीं दिया क्या कि माता परम अव्यक्तम माता परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषा पर हो इस मंत्र को चुरा लिया पुरुषा न प्राकिंचित साकाष्ठा सा परागति ये जो मंत्र है ये क्या है जरा सोचिए अर्थ समझिए कि महता परम अव्यक्तम इस महान आत्मा से भी श्रेष्ठ और बलवान कौन है भाई तो अव्यक्त प्रकृति है मूल प्रकृति है महामाया है आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो यही हो गई आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान ये महामाया ही हो गई आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो ये मूल प्रकृति ही हो गई आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान ये आदि शक्ति ही हो गई ये सब कहते हैं कि आत्मा से श्रेष्ठ कोई कुछ है ही नहीं आत्मा से और कहीं कुछ है ही नहीं और ये मंत्र कह रहा है कि आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो ये मूल प्रकृति ही है ये माया ही है और माया से भी मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ और बलवान कौन है मायापति पुरुष मायापति परम पुरुष मायापति सत पुरुष मायापति अकाल पुरुष वो माया से भी श्रेष्ठ और बलवान है इस महान आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो है ही है आत्मा से श्रेष्ठ और बलवान तो है ही है वो अव्यक्त मूल प्रकृति से महामाया से भी श्रेष्ठ और बलवान है वो है परम पुरुष वो है सत पुरुष वो है अकाल पुरुष वो है अमर पुरुष और पुरुषान्न प्राकिंचित उस परम पुरुष से उस अकाल पुरुष से उस सत पुरुष से उस अमर पुरुष से श्रेष्ठ और बलवान कहीं कोई चीज नहीं है उसके बराबर कहीं कोई चीज नहीं है श्रेष्ठ और बलवान होने की तो बातें खत्म हो गई परम पुरुष सत पुरुष अमर पुरुष अकाल पुरुष के बराबर ही ब्रह्मांड में कहीं कोई चीज नहीं है श्रेष्ठ और बलवान होने का तो बात ही खत्म और क्या साकाष्ठा परागति वो परम पुरुष अमर पुरुष अकाल पुरुष सत पुरुष जो है वही सबकी अंतिम स्थिति है अंतिम पहुंच है अंतिम गति है अंतिम स्थिति है उससे आगे कहीं कोई कुछ नहीं है भैया एक बात है इस मंत्र को आप लोग याद रखना इस श्लोक का मंत्र याद मत रखना मंत्र पढ़ना कोई जरूरी नहीं है ये याद रखना कि संत जी जब हम प्रेक्षण करावे जब हम परमेश्वर का दर्शन करावे जब हम जीव ईश्वर और परमेश्वर का दर्शन करावे जब हम जीव आत्मा और परमात्मा का दर्शन करावे जब हम जीव ईश्वर और परमेश्वर का जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म का दर्शन करावे जब हम रूह नूर और अल्लाह ताला का दीदार करावे
जब हम सेल्फ सोल एंड गॉड को का दर्शन करावे तब आप याद रख करके कहिएगा कि हमको वह अमर पुरुष दिखलाइए, वह परम पुरुष दिखलाइए, वह अकाल पुरुष दिखलाइए, सत्पुरुष दिखलाइए, जो माया का भी पति है, जो सारी शक्तियों का भी पति है, जो सारी शक्तियों को पैदा करता है, जो सारी शक्तियों को चालित करता है, जरा शक्तियों को पैदा होते हुए हमको दिखा दीजिए, शक्तियों को पैदा करा करके दिखा दीजिए, और देखेगा कि दिखलाया जाएगा कि नहीं, निश्चित दिखलाया जाएगा, निश्चित रूप से दिखलाया जाएगा, आत्मा को भी दिखलाया जाएगा, आत्मा को भी दिखलाया जाएगा, आत्म शक्ति को भी दिखलाया जाएगा, शिव शक्ति को भी दिखलाया जाएगा, और परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म को भी दिखलाया जाएगा, दिखलाया जाएगा, और आप देखेंगे आप जीव को तो आपको दिखलाया ही जाएगा। तो इस तरह से ये इसका अर्थ ना हुआ कि आत्मा ही सब कुछ नहीं है, आत्मा ही है। आत्मा वालों ऐसे गुरु से बचो जो तेरे साथ धोखा करने में लगा है, जो तेरे को भगवत द्रोही बनाने में लगा है, आत्मा में भरना भटका करके जो तेरे को परमात्मा से वंचित रखने में लगा है, ये सब भगवत द्रोही है। भगवत द्रोही सोचिए कि पहला मंत्र इनको याद आता है कि बुद्ध आत्मा महान पुरा, दूसरा मंत्र इनको याद नहीं आता। ये आप सबके साथ धोखा करते हैं, छलावा करते हैं, आधा अपने वाला आत्मा वाला इस लोक पर आप लोगों के बीच रख देते हैं, लेकिन जो परमात्मा वाला है ये छुड़ा लेते हैं, ये छिपा लेते हैं। आप भक्तों शिष्यों के साथ ये धोखा देते हैं, धोखा छलावा करते हैं, छलावा झूठ और चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। बंधु आप जानो, आपका काम जानो, मेरा काम है सच्चाई को आपके सामने रखना, सच्चाई से अवगत कराना। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सच तो हमको रखना है ना, सच तो हमको बोलना है ना। आप लोग तो दोनों से वंचित हो जाते हो, हम तो दोनों को मिलाने को कह रहे हैं। लक्ष्मीनिया वाला भी मिलता रहेगा, भगवान तो रहेगा ही रहेगा, बोले परंतु हो परमेश्वर की। ऐसा चांस जो है हजारों करोड़ जोनियों को दादा, हम करोड़ करोड़ को आकर के बहुत कम कह रहे हैं। विष्णु जी ने हजारों करोड़ कहा था, हजारों करोड़ जोनियों के बाद मानव शरीर और तत्व ज्ञान दोनों एक बार एक साथ मिलने की बारी आती है। ऐसे परम सौभाग्यशाली परम सुभौसर को खो करके यही भोग, वही दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पकाना, फिर दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पकाना, ये जुटाना खाना पकाना, जुटाना खाना पकाना, जुटाना खाना पकाना, और इसी में सारा जीवन गंवाना, ये कोई जीवन नहीं, ये मानव जीवन नहीं है। ये ना कभी दुनिया के किसी भी ग्रंथ में मानव जीवन की परिभाषा नहीं। आप सब अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको जो है अपने जीवन को समझना चाहिए, अपने जीवन के मोल को जानना चाहिए। आप सब ऐसे रतन जवाहर मानो जूनी को और कोयला बराबर कोयला के समान भी महत्व दे रहे हैं, इसको व्यर्थ नष्ट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। जैसे अभी बता रहे थे तत्व के, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये सब कुछ जानने को मिलता है। ये जीव जो इसमें बोल रहा है, ये जो जीव है जो शरीर को माध्यम बना करके, जो मुंह को बाड़ी को माध्यम बना करके बोल रहा है, जो आंख को माध्यम बनाकर देख रहा है, जो कान को माध्यम बनाकर सुन रहा है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को माध्यम बनाकर के कर चल रहा है, कर भोग रहा है, ये जीव क्या है, इस शरीर में कहां से आया है, इस शरीर में कहां ठहरा है, कहां रहता है, किस अंग में रहता है, हाथ में,
पैर में, नाक में, मुंह में, कान में, कहाँ रहता है ये? इतना ही नहीं, ये किस लिए जी रहा था? इस शरीर में, इस भूमंडल पर ये जीव जो है किस लिए आया था? सीता को हटा दो। ये जो है किस लिए आया था? सोचना है, जानना है, देखना है, अच्छी तरह से इसको समझना है, देखते हुए परखना, पहचानना है। हम आप सबसे बार बार कहेंगे एक बात और, रात भी कहे थे, फिर दोहरा रहा हूँ, हर कोई अपना परिचय पत्र हमको नहीं दिया है कि कौन किस गुरु का शिष्य है, कौन कितना बड़ा विद्वान है, कौन अनपढ़ शिक्षित है, कोई हमको कौन योगी है, साधक है, कौन नहीं है, ये किसी का हमने प्रमाण पत्र नहीं लिया है। एक बात जरूर हमने कहा और अब भी कह रहा हूँ कि धरती पर एक भी गुरु जी लोग उनमें से गुरु जी नहीं है जो जीव दिखला दे, एक गुरु जी नहीं है, एक शिष्य किसी गुरु का नहीं है जो कह दे कि हमारे गुरु जी ने हमको जीव दिखलाया है, सिवाय इस संस्था वाले को छोड़कर। इस संस्था को छोड़कर के धरती पर कोई ऐसा गुरु नहीं है जो कह दे कि हमने जीव दिखलाया है। जीव, वह जीव भी जानने देखने को मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा, देखने को। आप कहेंगे कि और कोई गुरु जी नहीं दिखलाते हैं, आप दिखलाएंगे कैसे? हम जानेंगे कि यही जीव है, आये सच है, प्रश्न बन सकता है ना? हम कैसे जानेंगे कि यही जीव है और ये सच है? अरे भाई, आप जीव ही तो है, शरीर तो आपकी शरीर है। अरे हमारा हाथ है, हमारा पांव है, हमारा आंख है, हमारा नाक है, हमारा मुंह है, हमारा ये सब कुछ है। हम तो हाथ नहीं है, हम तो पांव नहीं है, हम तो आंख नाक मुंह कान नहीं है, ये तो हमारे है ना? तो हम और हमार में अंतर होता है। हम जो है जीव है, ये जो हम हो रहा है, ये मैं जो हो रहा है, ये जीव है जीव, ये शरीर नहीं है। ये हम आवाज जो है, ये मैं जो आवाज निकल रहा है, ये शरीर की आवाज नहीं है, ये जीव की आवाज है। हाँ, शरीर एक माध्यम है जिस माध्यम से जीव जो है अपने आवाज को प्रकट करेगा। शरीर एक माध्यम है जिसके माध्यम से जीव जो है अपने आवाज को प्रकट करेगा, एक दूसरे के पास संप्रेषित करेगा, भेजेगा, और दूसरा उसको पकड़ेगा, देखेगा। तो ये हम शरीर नहीं आपको देख रहे हैं, आप सबको, आप शरीर हमको नहीं देख रहे हैं, आप जीव है जो देख रहे हैं। माध्यम शरीर को बनाया गया है, माध्यम आंख शरीर में, आंख को बनाया गया है देखने के लिए, कान को बनाया गया है सुनने के लिए, वाणी को बनाया गया है बोलने के लिए। ये सब जानना देखना चाहिए कि आखिर ये क्यों है, क्या है। ये जीव जो है, अभी आप सबके बीच हम 10-12 दिन है, कम से कम 12 दिन तो है ही है। अब कार्यक्रम में 13 दिन चलाया जाता है कि 15 दिन चलाया जाता है, देखिए 13 दिन में भी हो सकता है 15 दिन का क्लास कार्यक्रम, 13 दिन का कार्यक्रम 15 दिन में भी हो सकता है। अभी तो इस पर हम यहाँ के आयोजक मंडल से कोई बातचीत ही नहीं की है कि कार्यक्रम 13 दिन का किया जाए या 15 दिन का किया जाए। तो अब यही चीज है कि जब तक कार्यक्रम घोषित होगा रहने चलने का, करने का, तब तक तो हमको रहना ही है। आप सब किसी भी बात की जांच करने कराने के लिए कहीं भी जाकर आ सकते हैं। इस समय तो ऐसा साधन हो गया है
कि समय और दूरी बिल्कुल सिमट करके मुट्ठी में कर लिया है विज्ञान। समय और दूरी यानी सेकंड के 10 लाख नहीं पहले था, अब तो सेकंड के अरबवां हिस्सा से भी काम लिया जा रहा है। सेकंड का अरबवां हिस्सा से भी काम लिया जा रहा है। समय कहां रह गया? समय और दूरी, दूरी एक सेकंड में 900 किलोमीटर दूर पर बम गिराया जा सकता है, मिनट में नहीं। एक सेकंड में 900 किलोमीटर की दूरी पर बम गिराया जा सकता है। वो बम जो है कई तरह के बम बन गए हैं, हाइड्रोजन बम, जीवाणु बम भी नाना तरह के बम बन गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत आगे अपने चरम को पकड़ा है। और चीजें जब अवतार मेला है तो चरम को पकड़ेगा। तो इस तरह से हम आप सबको चाहिए कि इस शरीर के संसार को भी जाने देखें रहस्य सहित, इस शरीर को भी जाने देखें रहस्य सहित, जीव को भी जाने देखें जो इसमें बोल रहा है। जो है तो आप जीवित है, जो है तो आप जीवित है। अरे जीवित है तभी तो कोई माता पिता भाई बहन घर परिवार है। अभी जीव शरीर छोड़ दे तो कौन रखेगा आपको? अरे जितने माई दाई कहने वाले लोग हैं, जितने पति पत्नी कहने वाले लोग हैं, जितने माता पिता पुत्र पुत्री, ये जो आप लोग जकड़े फंसे हैं, ये आप लोग जो है एक एक छोटा छोटा घर परिवार बना करके उसी में मेरा 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 और रात दिन दुख तकलीफ अच्छा बुरा वही जीवन गुजरने में लगे हुए है। क्या भाई? अरे वही कीड़ा मकोड़ा की तरह से पैदा हुए, आहार निद्रा भय मैथुन करते हुए चले जाएंगे। आहार निद्रा भय मैथुन, अरे कुछ खोजेंगे, बनाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, आहार सोएंगे और बच्चा पैदा करेंगे और भय से ग्रसित रहते हुए किसी दिन चले जाएंगे। ये आहार निद्रा भय मैथुन ये तो कीड़े मकोड़ों में भी होता है, पक्षी पशुओं में भी होता है। यदि आप भी इसी चार में रह करके जीवन खत्म कर दिए तो किस काम का? कितना बड़ा आश्चर्य है। ये जो बैठी है पद्मजा खड़ी हो जा, 92 के विराट नगर कार्यक्रम में जब इसको भेजा गया उस मानी ब्रह्मलोक के प्रकृति क्षेत्र के पार, जब परम प्रभु को पाई, आई नहीं रही थी सब, प्रभु हमको मत छोड़िए, हम आपके बच्चा हैं, हम वही रहेंगे, इसी कलर का वो महात्मा दीपक जी है, बैठ जाओ। अब बताइए कि ऐसे भगवान पाने वाला भी अपने उसमें गिर जाए, क्यों नहीं समर्थ सड़ागत अनिवार्य किया जाए? कहाँ है पतन होकर के फिर वही है? कह देना तेज झूठे था, आप लोग बीच में कह दे कि झूठे है। 92 और आज 2000 चल रहा है, बैठ जाओ। बैठी थी शरीर यहाँ थी, जीवात्मा गई, देख सुन करके सारा वर्णन करते हुए और देख दर्शन करके आई। आज हम इस समाज में केवल नए नहीं, विराट नगर की है, आपके विराट नगर है ना इधर, आप लोग जानते होंगे, यहाँ से शायद 87-90 किलोमीटर, 85-87 किलोमीटर में होने के शायद है, 87-80 किलोमीटर पर जो दूरी। तो इस तरह से जो है वहां कार्यक्रम जो हुआ था 92 में, उसमें के ढेर लोग हैं। अभी ये जो उठकर गई है यहाँ से, ये तो वहां से परमहंस के नीचे लौटी नहीं रही थी, आई नहीं रही थी, सब डांट फटकार के बावजूद भी वहां से जल्दी नहीं जा रही थी। जब हुआ कभी यहाँ से फेंक दिए जाओगे, नहीं तो जाओ, आज्ञा मानो, आदेश मानो, जो भेजा है उसके आगे आदेश में जाओ, नहीं तो यहाँ से फेंक दी जाओगी, तुम नीचे आई। तब इस तरह से जो है ये कोई जादू नहीं है। जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी होंगे उनकी गति हो नीचे ऊपर होने लगेगी। हम लोग सम्मोहन वाले नहीं है, सम्मोहन कुछ पैसा सुन लेने के लिए होता है, आपको सम्मोहित कर दिया गया, आकर्षित कर लिया गया, केवल एक ही प्रयोजन है पैसा सुनना या कोई क्रियाकलाप ही ऑपरेशन वगैरह। सम्मोहन जब शुरू हुआ था तो बहुत अच्छा नियत था इसका, डॉक्टरी ऑपरेशन वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था,
चीन में मेसमर नाम का यदि एक था डॉक्टर, उसने मेसमरिज्म और हिप्नोटिज्म को प्रारंभ किया था। जब ऑपरेशन वगैरह करता था, जब आदमी चिल्लाता चिगड़ता था तो उसको बड़ा कष्ट होता था। जब कोई ऑपरेशन करता था किसी व्यक्ति के घाव फोड़े का, तो आदमी जब चिल्लाता छटपटाता था तो उसको बड़ा कष्ट होता था। रोज आकर रोज शाम को प्रार्थना करता था कि प्रभु ऐसा कोई विधान होता कि ऑपरेशन करते समय बेचारे मरीजों को छटपटाहट नहीं होती, चिल्लाता नहीं। रोज प्रार्थना एक नियत बन गई उसकी, रोज प्रार्थना करने की कि कोई ऐसा विधि विधान हमको ना दे दो प्रभु जिससे इन यानी कष्टियों को, इन ऑपरेशन वाले मरीजों को तकलीफ न हो। एक दिन अपने टेबल पर बैठ करके कुछ कर रहा था, बस उसी में हाथ हो हिला तो इसमें जो है नीचे का पन्ना भी हिलने लगा। बहुत कृपा हुआ उस पर, उसकी प्रार्थना में कोई दोष दुर्गुण नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। वो दूसरे की तकलीफ को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा था कि तकलीफ न हो ऑपरेशन के समय, उसकी नियत सही थी। भगवान की कृपा हुई, जब हाथ वो किसी काम से हिलाने लगा तो जो उसके टेबल पर जो है मेज पर जो कागज का पन्ना था वो हिलने लगा। इधर हाथ ले जा रहा था, इधर जाने लगा, इधर लाया तो इधर आने लगा, इधर गया। अब तो उसको बड़ा एक आश्चर्य, क्या हो रहा है, हमारे हाथ के साथ साथ ही पन्ना कागज के क्यों इधर उधर जा रहा है। अब इसका धीरे धीरे प्रयोग करना शुरू किया, एक तरफ प्रार्थना भीतर से और ऊपर से प्रयोग। अब देखा कि ऐसा करते करते उसका जो है वो पन्ना उसके अनुसार होते हुए जिधर जा रहा है उधर जा रहा है। ऐसा करते करते रोज प्रार्थना और प्रयोग अभ्यास शुरू कर दिया इसका। बाद में अपने बिल्ली पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग करके धीरे धीरे जो है उसको वो लाभ मिला कि जहाँ ये फोड़ा है, हमारे जगह पर फोड़ा है यहाँ पर, अब यहाँ ऑपरेशन करना है तो पहले अपने हाथ को पूरा घुमा लेता था, घुमाने पर इतना सुन्न हो जाता था। सुन्न होने में ऑपरेशन कर रहा है, मरीज को पता नहीं चल रहा है कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन करके सील साल दिया, अब तब कदे का ऑपरेशन हो गया, मरीज को सोच रहा है कि अब करेगा, अब हम चिल्लाएंगे छटपटाएंगे, और उसको तो पता नहीं चला ऑपरेशन में। अब ये इतना मृत्यु के मुंह में जाने से बचाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे सारे व्यवहार आप जीवों को करोड़ों करोड़ों बार मृत्यु के मुंह में जाने से बचाने वाला है, ये तत्व ज्ञान उसी को लेकर के आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं। हम देख रहे हैं आप लोगों को, निःसंदेह थोड़े देर के लिए कष्ट तकलीफ आप लोगों को हो सकता है, थोड़े देर के लिए आप सोच सकते हैं, अरे हम लोगों को तो घर परिवार छुड़ाने की बात करता है, हम लोगों को तो घर गृहस्थी छुड़ाने की बात करता है, हम लोगों को तो घर परिवार ले लेने की बात करता है, हम लोगों को तो सारा समर्पण स्वागत की बात करता है। चिपकाव है ना आप लोगों का, लगाव है ना, माया का फसाव है ना, ये जरूर सोचवा देगा पहले, ये जरूर सोचने को मजबूर कर देगा आपको पहले। ये नहीं आप लोगों को विश्वास जो नहीं हो पा रहा है, इसमें आपका दोष नहीं है। ऐसा ये व्यवहार हो चुका है, ऐसी स्थिति परिस्थिति गुजर चुकी है। अरे बड़े बड़े जनम जनम जतन करा ही आओ तो राम कही आओ नहीं, अब भगवान जो है झटके में चार दिन पांच दिन सत्संग सुने, छह दिन आज झट से ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गया। अरे चलो चलो कोई खेल होगा, ये सबसे भगवान मिलता है। यार सब आप सबका ये कहना कोई बहुत बड़ा गलत बात नहीं है, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोगों को इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है, क्यों, इसका लक्षण स्वभाव ही ऐसा है, इसका लक्षण स्वभाव ही ऐसा है। आप सबको जो है एक इस भ्रम में मत रहिएगा, ये बात सही है, भगवान मिलता है तो हर किसी को भगवान में होना रहना पड़ता है, भगवत में होना रहना चलना पड़ता है, अपने आप को भगवान को दे देना पड़ता है। आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, जाते जाते गात संत जनन के संकट क्षण में दूर करे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, आगे आगे गाते जाते हैं जो ध्यावे फल पावे, आगे आगे गाते हैं तुम पूर्ण परमात्मा
तुम अंतर्यामी फिर आगे के गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। और आगे बढ़ते हैं आप तो क्या गाते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागेगा मेरा। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। सोचिए भगवान जगदीश जब गाने मात्र के लिए है तो आपकी बातें गाने मात्र के लिए भी सही है। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागेगा मेरा। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। लेकिन वही जगदीश, कौन जगदीश? तुम पूरण, तुम परमेश्वर, तुम अंतर्यामी, तुम सबके स्वामी, मात पिता तुम मेरे, इन लक्षणों वाला ही जब जगदीश परमेश्वर जब साक्षात देखने को मिल जाए, जब साक्षात मिल जाए, तो आप लोग एक बार अपने से पूछे ना, क्या यह उचित होगा कि परमेश्वर जी नमस्ते, चलिए चलिए थोड़ा हम जा रहे हैं परिवार में, बाद में आ जाएंगे, क्यों ये उचित होगा? एक बार आप लोग अपने से पूछिए कि परमेश्वर जी नमस्ते नमस्ते, परमेश्वर जी नमस्ते, आप चलिए ना थोड़ा, हमारे बिटिया का शादी है, वो थोड़ी शादी हो चुकी, हम साल भर बाद आ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ लिख लेंगे तो हम बाद में आ जाएंगे, नमस्ते परमेश्वर जी, चलिए मैं आ जाऊंगा, यही कहा जाएगा ना, क्यों ऐसा कहा जाएगा? या कहा जाएगा चलिए परमेश्वर जी थोड़ा हम लोग साथ चाय बना कर पिया खाया जाएगा, आ चाहे नौकरी चाकरी खेती बाड़ी होगी चलिए हमारे घर जो है आ जाएगा, आप सबसे खाया पिया जाएगा, रहा जाएगा, क्या कहेंगे परमेश्वर मिलेगा तो? क्या परमेश्वर मिलने पर छोड़ने की भी वस्तु होती है? परमेश्वर ऐसी कोई वस्तु है जिसको मिली और छोड़ दी गई? नहीं, परमेश्वर वह सत्ता शक्ति है जिसको पाने के बाद छोड़ने की स्थिति नहीं होता है। परमेश्वर छोड़ने वाला चीज नहीं है, ये कोई सामान्य सांसारिक वस्तु नहीं है, छोड़ दिया जाए। आप स्वयं अपने से पूछिए ना, कोई एक व्यक्ति अपने से पूछे, बीच में खड़ा है वो, एक तरफ राजपाट घर परिवार खड़ा है, आप दूसरे तरफ परमेश्वर निहत्था सामने खड़ा है, किसके तरफ जाना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए? क्यों कोई बोलेगा किधर जाना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए? क्यों राजपाट में धन दौलत घर परिवार राजपाट में? परमेश्वर को तो नमस्ते कर लेना चाहिए कि नमस्ते परमेश्वर की नमस्ते चलिए मैं, अरे अभी तो आपको राजपाट कर लेने दीजिए, क्या कहा जाएगा? कुछ बोलेंगे भैया आप लोग? परमेश्वर नमस्ते करके छोड़ दिया जाएगा घर परिवार में, परिवार पूछा जाएगा? सोचिए करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात करोड़ों कर्म सही तरीका से बिस्तर पर रखे, ये सब झेलने वाली माँ गोदी से पाल पोष करके तैयार करने वाली माँ, एक तो साधारण पुरुष मिल जाता है तो सब बेकार, सब छोड़ दिया गया। माता जी नमस्ते, अब 6 महीने साल में मिला जाएगा। पिताजी नमस्ते, कौन हो गया? वो पति जी अपने हो गए। एक पुरुष के लिए, एक पति के लिए ऐसी माँ और पिताजी को त्याग देने में जरा सा नहीं सोचा गया। आप परमेश्वर पाने में बीच में मिला हुआ पति छोड़ने में 50 बार चिंतन है, बीच में मिली हुई पत्नी छोड़ने में 50 बार चिंतन है, माँ छोड़ दी गई पत्नी लेकर के झूम रहे हैं, घूम रहे हैं, माताएं छोड़ दी गई पत्नी प्रिय बन गई, माताएं छोड़ दी गई पिताजी छोड़ दी गए पत्नी लेकर के घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। एक पुरुष मिल गया जिसका ठिकाना भी नहीं कि कौन रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए घर परिवार छोड़ दिए, अपना माँ को छोड़ दिए, पिताजी को छोड़ दिए, भाई बंधुओं को छोड़ दिए। परमेश्वर मिलने की बात है तो 50 बार चिंतन कर रहे हैं कि घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, ये कैसे क्या होगा, बच्चे छूट जाएंगे, ये क्यों नहीं देख रहे कि भगवान मिल जाएंगे? ये क्यों नहीं देखते कि करोड़ों करोड़ों जन्म से बिछड़ा भटका हुआ जीव, करोड़ों बार मौत से गुजरते रहने वाला है जीव, भगवान पाकर के परम कल्याण को प्राप्त कर ले रहा है, सदा सदा के लिए मुक्ति से
मृत्यु से मुक्त हो जा रहा है, मुक्ति से युक्त हो जा रहा है, ये नहीं दिखाई देता, ये नहीं दिखाई, तन भगवान ले लेगा, क्या नहीं देंगे तो तन आपका बना रह जाएगा, जमराज नहीं ले लेगा, अरे भगवान को नहीं देगा तो जमराज तो ले जाएगा, जाना तो जाना ही है, ये परिवार आपको रख लेगा, जब जमराज घर्षित कर ले जाएगा तो कौन रख लेगा, भगवान क्या नहीं जाएंगे, जमराज को ले जाना है तो ले जाए, धन्यवाद है ऐसे भाई, आदत नहीं डाले बिना चाय का रह लेंगे, लेकिन ऐसे को चाय जो जिज्ञासु बन करके बैठा है कि हमको भगवान की पान है हमारा चाय पी लीजिए, तो शायद भगवान जाने अब आयोजक मंडल को हमने चंदा भीख मांगने का मौका नहीं दिया है, आयोजक मंडल अपने में का कर करा रहे हैं, वो जाने उनका काम जाने, आप रही चीज कि हम आप सबसे इतना ही कहेंगे, ये परम सौभाग्य का बेला है, परम सौभाग्य की घड़ी है, आप लोग जो है अपने को जानिए, संसार को जानिए क्या है, शरीर को जानिए क्या है, जीव को जानिए देखिए क्या है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी जानिए देखिए क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे संसार में स्थिति परिस्थिति है उसकी, जीव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे रहता चलता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म कैसे उत्पन्न होता है, कैसे रहता चलता है, ये परमात्मा परमात्मा परमेश्वर भगवान, यदि आपको भ्रम भटकाव हो रहा हो, अस्पष्ट न हो रहा हो, तो ग्रंथों से प्रमाण की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको नहीं हो रहा हो तो आप देख लो, जान लो, देख लो, और जो जानने देखने में आवे, जो अपने को पढ़ा लिखा समझदार विद्वान बनता है, आप उससे कहो हमने भगवान पाया है, वो पूछेगा कैसा रहा है, आप बताओ जैसा देखे हो ऐसा रहा है, आप कब देखो कि वो क्या कहता है, कब देखो कि वो क्या कहता है, बड़ा करेगा पूछेगा पूरा रहा है, पूरा, हाँ पूरा रहा है, अरे सर्वोच्च रहा है, सर्वोच्च, हाँ सर्वोच्च रहा है, अरे कौन रहा है, कैसा परमेश्वर, ये दुनिया में कैसा रहा, अरे दुनिया उससे उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है, सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है, ये ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न होता है, ये उसी से चालित संचालित है, उसी में अंतत विलीन हो जाता है, ऐसा देखा है, उन शक्तियों को भी देखा है जो संसार को उत्पन्न करती है, जो संसार को चलाती है, स्थित रखती है, और जो संसार में लय प्रलय कराती है, अलग अलग उसी से उसी में अभिन्न रूप से ये तीनों शक्तियां भी देखने को मिलती है, इसलिए दर्शन इस तत्व ज्ञान एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा विधान है जिसे जान लेने के बाद सृष्टि में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, अस्तित्व में मौलिक रूप में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, संपूर्ण ब्रह्मांड पांच भागों में है, संसार शरीर जीव ईश्वर और परमेश्वर, संसार शरीर जीव आत्मा और परमात्मा, संसार शरीर जीव ब्रह्म और परम ब्रह्म, वर्ल्ड बॉडी सेल्फ सोल एंड गॉड, खिलकत जिस मनु नूर अल्लाह ताला, ये पांच भागों में संपूर्ण संसार है, मुख्य रूप से संसार और शरीर तो एक ही विभाग का है स्थूल का, लेकिन शेष जीव आत्मा जीव रूह सेल्फ आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट और परमात्मा परमेश्वर प्रभु कर रहे हैं और भगवान को अपना जीवन का आधार बनाने में लगे हैं, भगवान को अपना जीवन का आधार बनाने में लगे हैं, इस खेती बाड़ी को खत्म करके, इस घर द्वार को खत्म करके, अपने अस्तित्व को भी भगवान में लगाने में लगे हुए हैं, ये कैसे खत्म हो सकते हैं, परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं।